मणिपुर भारत में कहीं दूर कोई जगह जहां नहीं पता कि सरकार नाम की कोई संस्थान है या नहीं, जिसका निर्माण 1947 में हुआ था, जब हमारे देश को ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से मुक्ति मिली। पिछले 6 महीनों से भारत में खोया एक राज्य लगातार एक ऐसी आग में झुलस रहा है जिसे शायद तब बुझाया जाए जब हमारी एक पीढ़ी दाव पर लग जाएगी। 2 दिन पहले यानी बुधवार को मणिपुर में हमलावरों ने मेतई इलाके में घुसकर रात करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच 2-3 घरों में आग लगा दी। सभी हमलावर हथियार से लैस थे। घटना इम्फाल वेस्ट के केथिल मांगवी के पतसोई थाना क्षेत्र की है। घटना के बाद हमलावर भाग गए। इसके बाद मेतई समुदाय की महिलाओं का एक समूह घटना स्थल पर इकट्ठा हो गया। सुरक्षा बलों ने महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका और शांति कायम करने की कोशिश की, जबकि वहीं पुलिस ने दावा किया कि फिलहाल हालात काबू में है। बता दें कि जुलाई महीने से गायब हुए 2 स्टूडेंट की हत्या की बात सामने आने के बाद से ही मणिपुर में हिंसा फिर से शुरू हो गई। 1 अक्टूबर को CBI ने दोनों स्टूडेंट्स की हत्या के आरोप में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि इन आरोपियों को चूरा चांदपुर से पकड़ा गया था। जांच एजेंसियों ने सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए असम के गुवाहाटी भेजा है। बात इसी घटना तक नहीं है, मणिपुर में पिछले 4 महीने से जातीय हिंसा जारी है। 4 महीने से चल रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा में अब तक 180 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और इतना ही नहीं 5172 से ज्यादा आगजनी के केस भी सामने आए हैं, जिनमें करीब 4786 घरों और 386 धार्मिक स्थलों को जलाने और तोड़फोड़ करने की घटनाएं भी शामिल है। मणिपुर की आबादी में मेतई समुदाय की संख्या लगभग 53% है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। कुकी और नागा समुदाय की आबादी लगभग 40% से ज्यादा है और ये लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मणिपुर के इन हालातों के बीच हम उम्मीद करते हैं कि हिंसा से झुलस रहे मणिपुर में जल्द ही हालात सामान्य हो, हजारों लोग जो बेघर हुए हैं उन्हें अपना घर वापस मिले, स्कूल और कॉलेज फिर से खुले जिससे वहां के छात्र अपनी शैक्षणिक संस्थानों में वापस जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। महिलाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण घटनाएं हुई है उस घटना पर संज्ञान लेते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द कड़े कानून बनाए जाए, जिससे फिर से विश्व गुरु का ख्वाब रखने वाले हमारे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने नग्न ना होना पड़े, जिससे फिर से हिंदुस्तान में रूह कपा देने वाली स्थिति पैदा ना हो और वहां 2 जातियों के बीच जो टकराव चल रहा है वो टकराव भी जल्द से जल्द खत्म हो। सरकार सहित हम सबको एहसास हो कि मणिपुर भारत ही है।